और बहुत ही सम्मानित मंच माता श्री तेजस्वी ओजस्वी आवाज फाउंडेशन के भी जो भी आज उपस्थित हुए। आज ये कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम यहाँ पर गुरुग्राम की धरती पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर थे, कई देशों के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से सेवाएं दी, एम्बेसडर रहे, राजनयिक एक महत्वपूर्ण भूमिका में इंग्लैंड, अमेरिका, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, तमाम जो दूसरे देश हैं उसमें आदरणीय आज़ाद सिंह तूर जी और हमारे इंडियन रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर रहे, बहुत शीर्ष पद पर रहे आदरणीय पुनिया साहब और इनके तमाम साथी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमारे गुप्ता जी ये भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अंजुमन है, जिला परिषद के मेंबर हैं, निहाल सिंह है और सैकड़ों की संख्या में जो इनके समर्थक आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे गुड़गांव से लेकर के पूरे हरियाणा की कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी और इनके अनुभव से हम कांग्रेस को और ज़्यादा धारदार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बना पाएंगे। मैं तमाम हमारे इन सीनियर लीडर्स का जिन्होंने देश और समाज की सेवा करी है आज कांग्रेस में शामिल होने पर बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और पूरे मान सम्मान के साथ हम इनकी जो शक्ति है उनका सदुपयोग करेंगे, इनके अनुभव का पूरा लाभ लेंगे, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। 30 तारीख को संभावनाएं तो आप देख ही रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर जोश और जज्बा है। जिस तरीके से 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने सड़कों से लेकर के विधानसभा संसद में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, भाजपा के कुशासन के 4 साल पूरे होने पर राफेल का महाघोटाला जिस तरीके से हुआ, तमाम और दूसरे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, रेप और गैंगरेप की घटनाएं आए दिन जिस तरीके से होती हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल अपने रसातल पर पहुंच गई है, महंगाई और बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो सरकार के नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर है और अब इस चुनावी वर्ष में लोगों को उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से बची नहीं है, क्योंकि लोग ये कहने लगे हैं कि ये किसान मजदूर गरीब आदमी छोटे व्यापारी कर्मचारी की बात करके जो सरकार आई थी।